हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज से कि हम ये प्यारी सी ड्रेस बना के लाए, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है और बहुत ही कम समय में आप ये प्यारी सी ड्रेस बना सकते हो सीधे कपड़े से। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल को पहना के दिखाती हूँ। तो देखिए, लड्डू गोपाल को लेंगे और इनके नेक पे ऐसे हमें ये डोरी बांध देनी है और बांध करके फिर पीछे ले जाते हुए हमें इसमें हम वेलक्रो लगा देंगे। आप चाहें तो इसमें चिट बटन भी लगा सकते हैं, आपको जो ईजली लगता हो। तो देखिए, ऐसे ले जाएंगे और ये पीछे टर्न करते हुए हमें ये बैक में ऐसे वॉल्क्रो लगा देनी है। बहुत ही कंफर्टेबल है, खुली खुली समर स्पेशल ड्रेस बनी है, बहुत ही प्यारी लग रही है जैसे आप देख रहे हो। और बहुत ईजी वे में आप ऐसी प्यारी सी ड्रेस बना सकते हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं लड्डू गोपाल। अब इनको हम कैप पहना देंगे। तो देखिए, बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही प्यारी ड्रेस बनके कंप्लीट हुई है जैसे आप देख रहे हो। और बहुत इजी वे में आप ऐसी ड्रेस बना सकते हो। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा जिससे आपको ऐसी नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और राधे राधे ज़रूर बोलिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो ये मैं नेट के इसे लड्डू गोपाल की समर ड्रेस बनाएंगे। तो ये हमने 4 इंच इसकी लेंथ ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो पूरी हमने 28 ली है। तो ये 28 हमने ली है, इसी का हमने बेस लिया है और फिर इसको अब हम सिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें 3 साइड्स सिलना है। तो हम ऐसे बेस रखना है हमें, और बेस को हमें इसके ऊपर रखते हुए हमें साइड से अटैच करते हुए पूरा करना है, ऊपर साइड नहीं करना है क्योंकि हम इसको टर्न करके सीधा करेंगे। तो हम 3 साइड से सिलेंगे, ऊपर साइड नहीं सिलेंगे। तो इसको हम अटैच कर लेते हैं। अब देखिए, हम इसको एक्स्ट्रा है वो कट करके निकालेंगे और टर्न करके सीधा कर लेंगे। अब सबसे पहले हम इस पे चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे जिससे हमारा ये कपड़ा पूरा बैठ जाए। तो हम इसको चारों तरफ से हमें इसमें सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेना है। तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हमें जो ओपन पार्ट है उधर भी सिलना है और जिधर हमने सिला है उसको भी हम सिल के कंप्लीट करना है। अब देखिए, हमें इसमें प्लीट्स डालनी है। तो हम इसमें नॉर्मल जैसे प्लीट्स डालते हैं वैसे डालते हुए हम इसको सिलेंगे। तो एक के ऊपर एक रखते हुए हमें इसमें फिर इसके बाद सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेना है। तो ऐसे हम पूरी प्लीट्स बना लेते हैं। अब देखिए, बराबर से रखते हुए हम 1 इंच नीचे डाउन आएंगे और यहाँ पे हम एक सिलाई और लगा लेंगे।
तो देखिए हम अब इसकी कमर नापेंगे, तो ये हमारी पूरी 6 इंच से 2 पॉइंट कम है। तो ये ऐसे देखिए हमारी 2 पॉइंट कम आ रही है, इतना हमने लिया है। अब इसको हमें इसका मिड निकालना है, तो हम 3 इंच से 1 पॉइंट कम लेते हुए यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो देखिए हमने ये मिड निकाल लिया है, अब इसको हमें शेप में लाना है। हम ऑफ शोल्डर बना रहे हैं, तो ये हमारी अलग सी ड्रेस बन रही है। तो देखिए हम ऐसे एक के ऊपर एक हमने पूरा फोल्ड कर लिया है कपड़े को, जो हमने प्लीट्स बनाई थी। अब ये हम देखिए जो हमने नीचे वाली सिलाई लगाई है वहाँ तक हमें इसको डाउन में ले जाते हुए इसमें शेप देना है। तो ये देखिए ऊपर से ऐसे लाएंगे, ऊपर हमने बिल्कुल ही नहीं छोड़ा है, गोलाई देते हुए हम नीचे से ऐसे करके नीचे डाउन में आ जाएंगे जहाँ हमने सिलाई की है। और सिलाई अब इसको हमें जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट करके निकाल लेंगे। तो दोनों पार्ट हमें बिल्कुल बराबर रखना है, जैसे हमारा दोनों पार्ट बराबर से कट हो। तो ये देखिए हमने ऐसे यहाँ पे ऐसे शेप दे दिया है, अब इसको हम कट करके निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने कट कर लिया है, अब हमने स्ट्रिप ली है और इसकी लेंथ हमने 1.5 इंच ली है। और इधर से नापेंगे तो ये हमारी पूरी हमने ये 8 इंच हाफ ली है, 8 हाफ। इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद जो हमने लिया है कपड़ा उसके बैक में ऐसे रखना है। रखते हुए हमें इसमें अब सिलाई लगा के अटैच करना है। जैसे हम सेम प्रोसेस से हमें इसमें पहले देखिए हम पीछे से अटैच करेंगे और अटैच करते हुए फिर हम इसको आगे लाके इसमें सिलाई करेंगे। तो ये हम हाफ हाफ करेंगे। अब देखिए हम इसको सीधा करेंगे, फ्रंट में लाएंगे और फोल्ड करना है। और फोल्ड करते हुए हमें इसको फिर से ऐसे एक बार और फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके यहाँ पे हम इसको सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे ये ऐसे करके पूरा हमें हाफ पहले लगाना है, तो ये हम हाफ करते हुए इसको यहाँ पे सिल लेंगे। तो देखिए हमने सिल लिया है, अब एक्स्ट्रा जो हमारी स्ट्रिप है उसको हम कट कर लेंगे। अब दूसरे पार्ट दूसरी साइड से हमें इसको अटैच करना है। फोल्ड करेंगे कपड़ा और फिर से हम इसमें बैक से पहले अटैच करेंगे, फिर फ्रंट में इसको घुमा के अटैच करना है। अब देखिए हमने इसको सिल लिया है, अब हम फ्रंट में लाएंगे और फिर से हमें इसको देखिए ऐसे फोल्ड करना है। और फोल्ड करते हुए हमें इसको एक बार और फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इसमें सिल लेंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है इसको भी हमें इसमें सिल लेना है, क्योंकि ये हमारा लूप बनेगा। तो हम ये पूरा ऐसे करके सिलते हुए स्ट्रिप भी सिल लेंगे। तो देखिए हमने सिल लिया है, अब इसको जो हमने एक्स्ट्रा लिया है उसको हमें देखिए पीछे की तरफ रखते हुए यूँ बराबर से रखना है, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, सीधा ऐसे बराबर से रखते हुए फोल्ड करना है और यहाँ पे इसको अटैच करके सिलाई कर लेनी है, जिससे हमारा ये लूप बन जाएगा। इसमें डोरी जाएगी जो हम जब लड्डू गोपाल को बनाएंगे तो आसानी से वो पहन लेंगे। तो ये लूप हमें बनाना है, तो यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। अब देखिए हमने लेस ली है और लेस हमें इसी के ऊपर लगाना है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे और लगाते हुए हमें ये गोलाई जैसे हमने दी है उसी गोलाई में लगा के इसको अटैच कर लेना है। तो अंदर फोल्ड करेंगे, फोल्ड करते हुए हमें ये अटैच कर लेना है।
तो देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया। नीचे की जो सिलाई हमने की है एक्स्ट्रा, उसको हम निकाल लेंगे। अब देखिए डोरी बनाने के लिए हमने ये 1.5 इंच की चौड़ाई ली है और उसी को हमने लेंथ हमने 8 इंच रखा है और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। दो बार फोल्ड करते हुए अब इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे हमारी ये डोरी कंप्लीट हो जाएगी जो हम उस ड्रेस में डालेंगे। तो देखिए दोनों तरफ से हमें फ़ोल्ड करना है, फिर एक बार और फोल्ड करते हुए हमें इसको सिल लेना है। अब देखिए इसी लूप में हमें ये डोरी को ऐसे डालना है, तो हम इसको डाल करके इधर साइड से निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से ड्रेस कंप्लीट हो गया। अब इसमें साइड साइड हम वॉलक्रो लगा लेंगे जैसे इजीली हम। अब देखिए हमने वॉलक्रो लिया है और इसको हम साइड साइड में लगा लेंगे। एक ये हमने सॉफ्ट लगाया है और बैक में हमें रफ वाला लगाना है जो हार्ड होता है। तो यहाँ पे लगा के इसको हम अटैच कर लेते हैं। अब देखिए हमने कैप के लिए कपड़ा लिया है, तो इसकी हमने लेंथ हमने 2.5 इंच ली है और ऐसे चौड़ाई नापेंगे तो ये हमने 5.5 ली है। और हमने गैदरिंग के लिए प्लीट्स के लिए हमने देखिए हमने इसकी लेंथ ये पूरी 1.5 इंच ली है और इसकी जो चौड़ाई है नापेंगे तो ये हमने पूरी 15 ली है। ठीक है, तो अब इसको हमें फोल्ड करके पहले एक सिलाई लगा लेनी है और फिर इसमें हमें प्लीट्स बनानी है। तो ऐसे सीधा रखना है और सीधा रख के पहले हमें एक सिलाई लगाएंगे फिर इसमें प्लीट्स बना लेंगे। अब देखिए सिलने के बाद हम इसमें हमें प्लीट्स बनानी है। छोटी छोटी हम इसमें प्लीट्स बनाएंगे और इसको सिलाई से अटैच करते जाएंगे। तो देखिए हमने ये गैदरिंग बना ली है और इसको हमें ऐसे स्ट्रिप पे रखना है जो हमने कैप का पार्ट लिया है, और यहाँ पे इसको रखते हुए हमें सीधा पार्ट रखना है। सीधे के ऊपर ये ऐसे रखेंगे और इसको अटैच कर लेंगे। तो देखिए उसी के ऊपर हम ये लेस लगा लेंगे जिससे हमारी कैप सुंदर सी लगे और प्यारी लगे। तो इसमें ये ऐसे लगा लिया। लगाने के बाद हम इसको एक्स्ट्रा है वो कट करके निकाल लेंगे और फिर इसमें एक सिलाई लगा के इसको फोल्ड करके सिलना है। तो ये हमें उल्टा ऐसे फोल्ड करना है, ये लेंगना है और ऐसे करके फोल्ड करके अब यहाँ पर हमें सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। तो देखिए इसको हम सुई की हेल्प से ऐसे कच्चा जैसे सिलते हैं वैसे ऊपर नीचे करते हुए हमें पूरा राउंड में सिलना है। बीच में फिंगर डाल लेना है जिससे हमारा दोनों साइड ना सिल जाए। तो ऐसे करके हम पूरा सिलेंगे और फिर खींच करके हमें ये फोल्ड करते हुए इसको 2-3 बार फोल्ड करना है, फिर नॉट लगा लेना है और नॉट लगा के कट कर लेना है और फिर टर्न करके हम सीधा करेंगे तो हमारी प्यारी सी कैप कम्प्लीट हो जाएगी। तो देखिए हमने लड्डू गोपाल को पहना दिया। इनके ऊपर बहुत ही प्यारी लग रही है जैसे आप देख रहे हो और बहुत ही कंफर्टेबल है। समर स्पेशल ये ड्रेस बनी है, खुली खुली बनी है और आसानी से आप बना सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। जय श्री कृष्णा।